हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं मॉइज के इस क्लिंजिंग लोशन का। तो इसका कंप्लीट रिव्यू मैं आप लोगों को देने वाली हूँ, कैसा ये लोशन है, कैसे आपको यूज करना है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स होंगे, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट्स होंगे, सभी बातें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको इजिली मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर आपको पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम है, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, ड्राई स्किन है और आपको बहुत ज्यादा अपने स्किन पे इरिटेशन वगैरह होती है, या आपको किसी भी तरह की कोई स्किन प्रॉब्लम है, या कोई आपने अभी कोई थोड़ा स्किन केमिकली कोई ट्रीटमेंट करवाया है, तो अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गई है, तो आप कुछ ऐसा लोशन देख रहे हैं या कोई फेस वॉश देख रहे हैं, तो आपको मैं रेकमेंड करना चाहूंगी मॉइस का क्लिंजिंग लोशन। ये बेसिकली डॉक्टर ने रेकमेंड किया है मुझे। तो जिनको भी पिंपल्स, पुराने पिंपल्स है, काफी दिनों से पिंपल्स, जिनके हट नहीं रहे हैं, जिनकी सेंसिटिव स्किन है, ड्राई स्किन है काफी, तो उनको ये मैं रेकमेंड करूंगी। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये इस प्लास्टिक पंप बॉटल में आता है। इसकी जो क्वांटिटी है वो 200 ml, इसका जो प्राइस है वो 269 rupees है, जो 250 के अराउंड आपको मिल जाएगी। और इसका जो क्वांटिटी है, इसकी 200 ml क्वांटिटी है। इसकी बड़ी बॉटल भी आती है, इसके छोटा पैक भी आता है इसमें, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। तो इस पे जो मेंशन है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले इस पे लिखा हुआ है सॉफ्री है, ये लेदर नहीं बनाता, ये सॉफ्री है बिल्कुल, और ये सल्फेट फ्री है, सल्फेट भी नहीं है, जो कि इसकी बहुत अच्छी बात है। सल्फेट फ्री प्रोडक्ट मैं आपको बोलती हूँ, रेकमेंड करती हूँ यूज करने के लिए। पैराबिन फ्री है और पीएच लेवल इसमें अच्छा खासा है, 5.6 पीएच लेवल है। तो ये तो इसकी बाहर की, इधर की बात है। इसके इंग्रेडिएंट्स की जो मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिए हैं, इंग्रेडिएंट्स इसके आप देख सकते हैं। इसके यूज करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता दूंगी अभी वीडियो में आगे। इसकी शेल्फ लाइफ 2 साल की मिल जाती है आपको, 2 साल तक आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसकी एक्सपायरी डेट 2 साल बाद की है, ठीक है। नेचुरल ऑयल को रिमूव नहीं करता है, ये आपके डर्ट और इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है। इसको यूज करने के बाद आपके स्किन में कोई भी ड्राइनेस, फ्लेकीनेस और इरिटेशन नहीं होती है, और यह बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड रखती है आपके स्किन को और बिल्कुल सुखाती नहीं है। जैसा नॉर्मल क्या होता है कि जिनकी ड्राई स्किन होती है वो अगर ऐसे प्रोडक्ट यूज कर लें जो आपके स्किन को पूरी तरीके से ड्राई बना देते हैं, तो फिर उनको खुद को ही वो चीज खराब लगने लग जाती है। लेकिन ये आपके स्किन को पूरी तरीके से नहीं सुखाता है, जो आपका नेचुरल ऑयल होता है ना स्किन का, वो आपका गायब नहीं होता है। अप्लाई करना, क्योंकि इससे झाग बनता नहीं है, तो इस तरीके से मत कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपना फेस वॉश कर लेना है। तो ये इसका तरीका था लगाने का। और इसके बेनिफिट्स की अगर बात करूं तो इसमें पीएच लेवल काफी अच्छा खासा है, सल्फेट नहीं है और पैराबेन फ्री है। पैराबेन फ्री है तो ये बहुत अच्छी बात है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और अगर मैं इसकी फ्रेग्रेंस की अगर मैं बात करूं तो इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही माइल्ड है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, और बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आएगी अगर आप मतलब इसको यूज करने के बाद आपके फेस से भी एक बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस आती है, तो ये एक इसकी बहुत अच्छी बात है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना।